Let's hear a story today. I know all of you like hearing stories. मैं जानता हूँ आप सब स्टोरी सुनना बहुत पसंद करते हैं. शायद छोटी सी कहानी. There was a kingdom. ऐसे एक देश था. The law of that kingdom was entirely different. उसका उस देश का जो नियम है काफ़ी अलग थे कंपेयर टू अदर कंट्रीज. दूसरे कंट्री का तुलना. They selected a king for every year for their kingdom. अपना देश के लिए एक व्यक्ति को वो सेलेक्ट करते थे राजा का रूप में हर साल. When he became king, वो जब king बन जाता है तब he was free to live as he wishes. वो जैसे विश करते थे इच्छा करते थे वैसे जीने के लिए आसान थे. पर एक साल के बाद इसी राजा को उसी देश से निकाल दिया जाता था. वो ऐसी जगह पर निकालते थे भेजते थे उसी देश का बाहर. ऐसे एक आइलैंड है फुल ऑफ थिक फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल. बड़े घने जंगल और उसके अंदर खूब जानवर रहते थे. तो राजा का जो अंतिम दिन होते हैं राजा रहने का अंतिम दिन होते हैं उसको एक नाव पर बिठा कर सारे लोग बड़े विलाप के साथ क्योंकि राजा था राजा को बेच रहे हैं कहाँ जंगल में. उधर जाएगा तो मालूम है उधर क्रूर एनिमल है उसको चिरफाड़ेगा खाएगा. राजा भी दुखी है. एक साल तक खुशी रहा पर राजा भी दुखी है. सब बड़े विलाप होते उसी देश में. आखिरी दिन विलाप के साथ इसी राजा को जंगल में बेचते हैं एक नाव में बिठा कर बेचते हैं. जंगल में जैसे पहुंचते हैं उधर का जानवर हैं उसको खा जाते हैं. सब राजा बनना चाहते पर आखिरी दिन कोई नहीं चाहते थे. फिर भी उसी देश का सिस्टम यही था किसी ना किसी को हर साल राजा का रूप में ही नियुक्त किया करता था. सो वन डे एन ओल्ड मैन गॉट ए चांस टू बी द किंग ऑफ दैट किंगडम. उसी देश का राजा होने के लिए एक बुजुर्ग व्यक्ति को चांस मिला. वह सोमाइस ये बहुत बुद्धिमान थे. ही गॉट द चांस. उसको चांस मिला है मौका मिला है राजा होने के लिए. ही बिकेम किंग. वो राजा बन गया. राजा बनने के बाद उसने सबसे पहले कॉल्ड ऑल गुड हंडर्स ऑफ दैट कंट्री. उसी देश का अच्छे अच्छे हंडर्स को बंदूक लेकर मारने वाले हैं तीर चलाने वाले सब अच्छे अच्छे हंडर्स को बुलाकर बोल दिया तुम ये काम करो तुरंत. तुम सब मिलकर उसी द्वीप में चले जाओ. उधर जितने क्रूर एनिमल हैं वाइल्ड एनिमल्स हैं किल देम ऑल. सबको मारो. इट वॉज द ऑर्डर ऑफ ए किंग. राजा का ऑर्डर है. सारे हंडर्स उधर से अपना बंदूक लेकर तीर लेकर सब लेकर जंगल में चले गया. उधर एक एक जानवर को मारा. नाउ द थिक फॉरेस्ट वाज फ्री फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. उसे वाइल्ड एनिमल्स जंगल में नहीं है. ये हंडर्स वापस आकर बोल दिया हमने सारे जानवर को मार दिया है. देन किंग कॉल्ड All good wood cutters of that country. उसी देश का सारे वुड कटर पेड़ को काटने वालों को बुलाया. बुलाकर बोल दिया तुम सब अपना कुल्हाड़ी ले लो टेक योर एक्स एक्स ले लो गो टू दैट फॉरेस्ट. उसी फॉरेस्ट में जाओ एंड कट डाउन ऑल द ट्रीज. सारे ट्रीज को काटो. वो घने जंगल है उसको बिल्कुल खत्म करो. सारे
डल से हैं अपने अपने गुलाड़ी लेकर गया जाकर काट काट कर सारे बर्ड को गिराया है बिल्कुल वो कहना चाहता बिल्कुल खत्म हो गया दी ऑल केम बैक टू द किंग वो सब क्योंकि बस वापस आया है बोल दिया वी क्लियर ऑल द फॉरेस्ट हमने पूरा फॉरेस्ट खत्म कर दिया क्लियर कर दिया है तब द किंग विद अ स्माइल एक मुस्कुराते हुए ही कॉल्ड ऑल आर्किटेक्ट्स ऑफ दैट कंट्री उसी देश का सारे आर्किटेक्ट हैं उसको बुलाया तुम लोग इधर आ जाओ हियर मी मुझे सुनो एंड डू अस आई से जैसे मैं बोलता वैसे तो करो तुम लोग यू टेक ओवर योर मैन तुम तुम्हारे सारे आदमियों को साथ ले लो एंड गो टू दैट आइलैंड उसी आइलैंड में जाओ एंड मेक ब्यूटिफुल बिल्डिंग्स देयर उधर सुंदर सुंदर मकान बनाओ ये सारे आर्किटेक्ट उधर से अपना लोगों को लेकर उसी दूर में चले गया है उधर बाहर सुंदर सुंदर बड़े महल बड़े बड़े अच्छे अच्छे मकान बना लिया बनाकर वापस आया तब तक ये साल हो चुका था राजा को भी अपना देश छोड़कर जाने का समय अब तक जितना राजा हुआ करते थे सब रो रो कर क्योंकि कोई मरना नहीं चाहता रो रो कर जाते थे उसके पीछे उसके परिवार पूरा रोते थे आज ये बुजुर्ग आदमी मेरे स्माइल मुस्कुराते हुए वो अपना नाव पर पाँव रखा नाव में बैठा बहुत खुशी से उसी द्वीप की ओर चला गया उसका सारे परिवार भी ये देखकर खुश थे क्योंकि ये राजा बाकी राज्यों से अलग था जब पूरा एक राज साल मिला है राजा बनकर आने के लिए उसी वक्त उसने मौज मस्ती नहीं की हाँ जो काम किया लोगों के लिए भी काम किया अपने लिए काम किया है अपने लिए पूरा एक द्वीप क्लियर करके सुंदर सुंदर मकान बनाया अपने लिए अपना परिवार के लोगों के खुशी खुशी ये तो चल ये तो एक स्टोरी है फिर भी एक सच्ची कहानी है जब इसी कहानी को आपके लाइफ के साथ रखने जब अभी हमारे लाइफ में मौज मस्ती से हम टाइम निकालेंगे तो साल खत्म होता ही हम रोते रोते जंगल की ओर चले जाएंगे उधर जाते हमने सहा है वो जानवर हमें चीख पाड़ेंगे खाएंगे फिर हमारे जिंदगी ही नहीं अगर आप आज मेहनत करते हैं ये साल खत्म हो जाएगा ये वक्त भी निकल जाएगा उसके बाद आपको यहाँ से उसी जंगल की ओर जाना उसी द्वीप की ओर जाना है जहाँ जंगल था उधर अभी अच्छे मकान हैं रहने के लिए या देखो अगर आप इधर अभी मेहनत नहीं करेंगे नहीं करवाएंगे तो जंगल वैसे के वैसे वहाँ रहेगा जंगल का सारे जानवर ही उधर रहेंगे आप यहाँ से निकल उधर पहुँचेगा जंगली जानवर आपको खत्म और आप आज उधर रहकर काम करेगा तो जंगल खत्म हो जाएगा जानवर खत्म हो जाएगा उसी जगह पर सुंदर सुंदर बिल्डिंग खड़े हो जाएगा उसी बिल्डिंग के अंदर आप आराम से खुशी से रहेंगे मैं आशा करता हूँ इसी छोटी कहानी से आपने ये सीखा होगा आज हमें कुछ काम करना है या हमें कुछ काम करना है।